अभी जहाँ यहाँ देखिए जो अभी जहाँ पानी देख रहे हैं यहाँ पिछले साल ये कच्ची सड़कें थी था, लेकिन इस बार कोसी नदी ने कटाव कर दिया है, इसलिए थोड़ा घूम के आना पड़ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ वो कच्ची ही सड़कें हैं, आप लोग कहिएगा कि ये 20वीं सदी है फिर भी यहाँ पिछड़ा, हाँ पिछड़ा है, यहाँ तक कि इस गांव में बिजली भी नहीं है। ये असुविधा कारण अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं आने वाले जुलाई अगस्त में पानी ही पानी देखिएगा। मेरा विद्यालय बस कुछ ही दूरी पर है फ्रेंड्स, में यह विद्यालय मेरे घर से लगभग 65-70 किलोमीटर दूरी है, मैं यहीं पर रहता हूँ, जब भी गांव से आता हूँ तो यहाँ पर रहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, यह मेरे विद्यालय में आज गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है, इसमें ग्रामीण लोग आए हैं, बच्चे सब भी, तो आज हम मना रहे हैं। देखिए यहाँ के गांव के लोग बहुत भोले वाले हैं, अभी तक बहुत प्यार सम्मान दिया है, आगे भी देते रहेंगे। मैं पिछले यहाँ 10 वर्षों से हूँ, अभी तक बहुत माने मान सम्मान देते आए हैं। देखिए ये मेरे सीनियर सर है जो भी झंडा को प्रक्रिया कर रहे हैं, बस कुछ ही देरों में हम झंडा को लहराने वाले हैं अपना 73वां गणतंत्र दिवस की खुशी में राष्ट्र तिरंगा झंडा फहराने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, जय हिंद, जय हिंद। आज क्या है, आज क्या है, 26 जनवरी, 26 जनवरी। 3 मिनट के झंडा जना जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 वंदे मातरम। 26 जनवरी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दोस्तों मैं इस विद्यालय में पिछले 10-11 वर्षों से हूँ, अभी जो देख रहे हैं सूखा पड़ा हुआ, लेकिन अगस्त में हो सकता है यहाँ बाढ़ आ जाती है, हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, हम लोगों को कई बार नाव से भी आना पड़ता झंडा फहराने के लिए। अगर इस विद्यालय में रह गया अगस्त तक तो उसका भी ब्लॉगिंग बना हुआ, वैसे 2-3 महीनों में ट्रांसफर होने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक तो गाँव वाले ने मुझे हम लोगों को बहुत प्यार सम्मान से दिए हैं। अभी तक यह विद्यालय लगभग 40 वर्ष पुरानी है, यहाँ कोसी एरिया में वैसे पक्की मकान अभी तक अलॉट नहीं है, तो यह पुरानी विद्यालय देखते हैं नया अलॉटमेंट आने वाला है क्या होता है। आज विद्यालय में प्रसाद बैठे रहो, अभी उठना नहीं है, कोई उठना नहीं है, सब बैठे रहो अभी। बच्चे अभी बैठे रहो, सबको देने दो प्रसाद, उसके बाद शुरू करना। विजया गुंडा तुम तो और बढ़िया से पकड़ो, बढ़िया से, अच्छे से। देखिए चल
अभी किसी को नहीं उठना है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इधर देखिए बड़े लोगों को अलग, ईमानदारी से, ईमानदारी से। अब बच्चे जाने लगे हैं। फोटो खींचा जी, अच्छा चलो प्रसाद ले लिए ना, बस हाँ तैयार रहिए जी। मास्टर साहब प्रसाद भेल ने, चलो खुश छे ने। ए बुढ़वा प्रसाद ले लिए, अच्छा ठीक है, मिलत मिलत मिलत। आज बस रुकू, अहाँ के नाम कर दल गणेश जी भगवान, कल के बुढ़वा चल गए से काम, एक दस आदमी बैठे साथ में, साथ में भोरे बैठू ने। मनोज कनी दे दियो, कनी दे दोस्तों। अब मैं अपने विद्यालय का चौहद्दी बता रहा हूँ। यह मेरा विद्यालय जहाँ है तो कोसी नदी के बीच में है, क्योंकि यहाँ जो हर घर लगभग देखे कच्चे घर ही हैं। वो घर जो देख रहे हैं वो लगभग 2-3 साल पहले आया, उनका घर पहले उधर था, माने तो कोसी नदी उधर भी बह रही है, उधर माने कटाव कारण यह पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ है, यानी कि यहाँ उतना विकसित नहीं है। यहाँ पर लोग 12 मास नौका सहारा लेना पड़ता है कहीं मार्केट जाने के लिए। ये पश्चिम साइड है, ये उत्तर हो गया, ये आपको पूरब साइड पपा साथ ले लिया, वो पूरब साइड हम उधर से आते हैं, उधर भी कोसी नदी बह रही है, और इधर दक्षिण साइड है। तो इस कारण मान जहाँ भी देखिएगा सब कच्चे घर है, ये लोग मजबूर है क्योंकि अपने जीवन में कई बार इन लोगों को कटाव का सामना करना पड़ा है। ये सब मेरे ही विद्यालय के छात्र है, जो अब बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं बच्चों के। तो फ्रेंड्स यह छोटा सा ब्लॉगिंग था मेरे विद्यालय का, जो अब सम्पन्न हो चुका है। ये देखिए तिरंगा हवा में लहरा रहे हैं, ये ग्रामीण है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, संतोष जी हैं, हम लोग को बहुत मैंने सहायता करते हैं, हम इसी के यहाँ रहते हैं पिछले 10-11 वर्षों से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। जब मेरे विद्यालय